और एक आम फिलिस्तीनी का रॉकेट अटैक अब आपको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए कैसे अब हमास ने आम लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, जिनको ना ट्रेनिंग है ना नॉलेज है कैसे इन रॉकेट लॉन्चर्स को, कैसे इन आरपीजीज को ऑपरेट किया जाए, उनको यहां पर भर्ती कर रहा है हमास और उनके जरिए ये रॉकेट हमले करवा रहा है। तो देखिए यहां पर दो तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी तो जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमास के पास लड़ाकों की कमी हो रही है और वो अब फिलिस्तीन के आम लोगों को शामिल कर रहा है ताकि वो यहां पर उनके जरिए ये वॉर लड़ सके। लेकिन यहां पर एक और यहां पर थ्योरी है, थ्योरी ये है कि ये हमास के लड़ाके ही हैं, ये वही लड़ाके हैं जो हमास के लिए लड़ते हैं लेकिन आम फिलिस्तीनी के कपड़ों में, उनकी वेशभूषा में यहां पर दिखाई दे रहे हैं ताकि अगर ये मारे जाएं तो हमास ये प्रोपेगेंडा दुनिया में फैला सके कि इजराइल आम लोगों को मार रहा है, इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन इनकी जो यहां पर मूवमेंट है, जिस तरह से ये भाग रहे हैं, जिस तरह से ये छिप रहे हैं, क्या ये ट्रेंड एक ऑपरेटर हैं इस आरपीजी के लिए, इस मोर्टार के हमले के लिए? यह एक बड़ा सवाल है। देखिए इस पर बात करता हूं, मेरे पास इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह है मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन जनरल मेस्टन, ये जो हम देख रहे हैं, ये विजुअल्स आप भी देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है? ये हमास के लड़ाके हैं, ये आम लोग हैं? इन तस्वीरों को देखकर क्या ये ट्रेंड लोग लगते हैं इस तरह के हथियार को ऑपरेट करने के लिए? और देखिए जहां तक ये सवाल आपने उठाया है, इसमें मेरे को मिक्स लग रहा है। इसमें कुछ हमास के लड़ाके भी हैं जो, देखिए पहली बात, किसी भी टेररिस्ट की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो किसी भी ड्रेस में ऑपरेट कर सकता है, वो सिविल ड्रेस में भी ऑपरेट कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है कि कल अगर कोई कैजुअल्टीज होती हैं तो ये दिखाया जाएगा कि इजरायली फोर्सेस सिविलियन कैजुअल्टी कर रही हैं, तो उससे इनको फ़ायदा है। दूसरा, उसमें कुछ अनट्रेंड लोग भी दिख रहे हैं क्योंकि मोटर में सिर्फ आपको वहाँ पिन निकाल के और उसको अंदर डालना है, स्लाइड करना है, तो उसकी वो ट्रेनिंग इनको दे रखी है। और साफ जाहिर है कि उसमें इनकी नफरी कम होती जा रही है हमास की, तो जो मोटिवेटेड यूथ हैं, यंग यूथ हैं, उनको ले के और वो ये काम करा रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि नफरी कम हो रही है हमास की। दूसरा, ये जो वीडियो दिखाई है इसमें कुछ मिक्स हमास के भी हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, जैसे मैंने बोला इनकी कोई यूनिफॉर्म होती मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म तो कोई है नहीं, लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कुछ के पास ट्रेनिंग है, कुछ के पास ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। और उस तरह से अगर वही थ्योरी है, अगर वही एनालिसिस है, तो ये साफ है कि हमास के पास जरूर लोगों की कमी हो रही है या हमास आम लोगों को अपनी शील्ड की तरह लेकर आ रहा है, जो लगातार हम कह रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन कॉरिडोर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे उसके ठिकाने हो। लेकिन देखिए आप, जरा मैं एक और तस्वीर यहां दिखाना चाहता हूं। ये तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन गाजा में जमीनी हमले के बाद का विनाश आपको दिखाते हैं, और ये विनाश लगातार वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स के रूप में, इमारतों के मलबे के रूप में, वहां पर हमलों के बाद जो तबाही मची है उसके रूप में लगातार सामने आ रहा है। गाजा के भीतर घुसकर जमीनी लड़ाई तो चली रही है, लेकिन हमले के बाद का विनाश, ये धुआं, ये तस्वीर, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, अभी भी ऐसे हमले चल रहे हैं, अभी भी यहां पर गाजा में कुछ ऐसा ही चारों तरफ धुआं, धुएं का गुबार, मलबे के ऊपर से उठती हुई मिट्टी, ये दिख रही है। ये तस्वीर एयर स्ट्राइक की तो है ही, लेकिन एयर स्ट्राइक के अलावा जब जमीन के अंदर सेना घुस रही है, जब वो वहां पर वो डेटोनेट कर रही है, वो वहां पर एक्सप्लोसिव बारूद लगा रही है बिल्डिंग्स में, और वो जब बिल्डिंग्स गिरा रही है उसकी तरह बात की तस्वीर है। अब एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है उसमें जमीनी सेना किस तरह से बिल्डिंग्स को गिरा रही है, बारूद से, बम से, विस्फोटकों से, ये हम वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रिगेडियर राजपुरोहित साहब, ये जो तस्वीर है, ये तो लगता है नीचे से बम लगाया गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोजिव के तौर पर बिल्डिंग को गिराने के लिए लगाया जाता है आमतौर पे। इसी एक्सप्लोजिव को लगा करके इन्होंने इन बिल्डिंग्स को गिराया है, और वजह है कि इन बिल्डिंग्स के अंदर
कुछ टनल्स के रास्ते हो सकते हैं, इनके नीचे टनल्स हो सकती है, इन बिल्डिंग्स के अंदर इन टेररिस्ट के सेंटर्स या हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट होने के बाद में उन्होंने इन बिल्डिंग्स को गिराना शुरू कर दिया है। और अभी आप इसके तुरंत बाद में देखेंगे कि यहाँ पे डोजर्स आएंगे, टैंक साइट में लगे होंगे, ये लोग रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे, और जब पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा कि शायद अब हमास मिलिटेंट वहां नहीं है, तब इजरायली इन्फेंट्री पैदल सैनिक वहां जाएंगे उस इलाके में, फिर ग्रेनेड फेंकेंगे, यकीन करेंगे कि इलाका या बिल्डिंग क्लियर हो गई है, तब उसके इन्फेंट्री के सैनिक अंदर जाकर के उस बिल्डिंग को या उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लेंगे, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करेंगे, अगर मैं आपकी बात को देखूं। लेकिन देखिए, इसी पर ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमले से लगातार गाजा की काली रात कांपती हुई दिख रही है। लगातार हमले से गाजा में अब वहां पर लोगों का जीना दूभर है, लोग रात हो दिन हो किस तरह से वहां पर अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीर देखिए, हमले से कांपती गाजा की काली रात हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में अभी भी लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं, समंदर तक से उनकी नेवी हमले कर रही है हमास के लड़ाके पर, और ये रात की तस्वीर है गाजा की। هذا صحيح هو المبنى المقابل الان 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 انزل لحد انزل تحت روح تحت سقف غاد تعال هنا يا حمدان لجاك